गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी दुआओं की वजह से हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का अनुराधा सिंघानी ब्लॉग में। और सुबह हो गई है और मैं नहा धो करके हो गई हूँ रेडी और करने जा रही हूँ अब मैं पूजा। तो मैंने भगवान जी को तिलक कर दिया है, अब जा रहे हैं दिया जलाने। तो मैंने यहाँ पर भोग और दिया और धूप बत्ती सब मैंने जल सब तैयार कर दिया है, बस पूजा करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ। तो आइए दिखाते हैं कि क्या क्या मैं चढ़ाती हूँ भगवान को। आपके ऊपर होता है, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं भोग में। तो मैं मिश्री लगाती हूँ भोग में और आइए दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों मेरी धूप बत्ती और यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया है और यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है और यहाँ पे मैंने जल लिया है एक बड़े लोटे में, जो कि मैं इसको सूर्य भगवान को पहले दिया जलाने से पहले मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगी छत पे जा करके। और यहाँ पे भगवान जी के लिए लोटिया में जल है और चम्मच और यहाँ पे मेरी घंटी और यहाँ पे मेरे भगवान जी हैं। तो बस अब मैं जाऊँगी पहले जल चढ़ाऊँगी। तो मैं जल चढ़ाती हूँ, इसमें थोड़ा सा मिश्री डालती हूँ और थोड़ा सा रोरी डालती हूँ ताकि सूर्य भगवान को मिष्ठान और रोली और लाल फूल नहीं है तो रोली चढ़ा सकते हैं आप डाल करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान प्रसन्न होते हैं, सूर्य देवता हमारे। तो बस यहाँ पे मैंने भगवान जी का जल ले लिया, अब जा रहे हैं फटाक से छत पे जल चढ़ा के आते हैं तब दिया लगाएंगे। तब दिया जला करके फिर जो भी है हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा शिव चालीसा जो भी है आरती वगैरह तब मैं करूँगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भोलेनाथ का नाम लेकर के तुरंत सब्सक्राइब करिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिए। तो दोस्तों मैंने पूजा कर लिया है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी का, आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी का। और पता नहीं आज पूजा करते करते मेरी आँख से पता नहीं क्यों पानी गिरने लगा, मुझे खुद ही नहीं पता चला। कभी कभी भगवान की पूजा करते करते ना इंसान भावुक हो जाता है और अपने दिल की बात हमेशा भगवान से ही कहना चाहिए, किसी और से नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जितने करीब से भगवान आपको समझते हैं ना, उतना कोई इंसान नहीं समझ सकता आपको। और दूसरी बात यह है कि भगवान के कि बिना मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता है तो इंसान क्या हिलेगा। तो बस जो भी है दुख और तकलीफ इसे भगवान जी से कहिए, हम तो बस इन्हीं से कहते हैं। और हाँ, इतना भगवान के ऊपर मुझे विश्वास हमेशा होता है कि कभी भी मेरा कोई काम नहीं रोकते हैं, ऐसे चलता है। इसीलिए भगवान जैसे अपने दिल की बात हमेशा कहा करिए, किसी और से नहीं। और दूसरी बात यह है, अगर भगवान के सामने अगर अपनी बातें कहते कहते अगर आँख से आंसू आ जाए ना, तो समझ लीजिए कि भगवान सच में आपकी सुन लेंगे और मेरी भी सुनेंगे और हमेशा सुनते हैं। तो बोले जय भोलेनाथ, जय दुर्गा मैया। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर के बाद। फ्रेंड मैं जा रही हूँ आज लौकी की सब्ज़ी बनाने। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बड़ी वाली लौकी, एक छोटी वाली कट करके। कल मैंने जो कोफ्ता बनाया था उसका आधा बचा था, तो मैंने इसको भी कट करूँगी। और उसके पहले मैं खाऊंगी चना भिगोया हुआ, जो कि इसमें मिर्चा है, प्याज, टमाटर, लहसुन, नमक सब मिला हुआ है। तो दोस्तों आप ही आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए चना। किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी सूखी वाली, दो प्याज़ा, ये देखिए इसके पहले भी मैंने बनाया था। और ये देखिए दोस्तों मैंने बनाया है लौकी की सब्ज़ी, जो कि अभी कट की थी, फटाक से छौंक दी, गल के देखिए कितना हुआ। और सब्ज़ी बनी है और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी। तो चलिए दोस्तों पीते हैं कॉफ़ी। किस किस को कॉफ़ी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं छोटा सा वीडियो है मेरा तो मैं यहीं पे कर देती हूँ एंड, तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक से कमेंट, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और ये देखिए दोस्तों मैंने भरी भरी चूड़ियाँ पहन ली हैं, मन कर रहा था मेरा चूड़ी पहनने का तो मैंने पहन लिया। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।